This is Ninja 1000 SX and this is the exhaust जो इतना कहर मचा रही है. So hey guys, first of all, good morning and welcome to a new vlog. And आज विश्वकर्मा पूजा है. So happy विश्वकर्मा पूजा to all. एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड आज हम जा रहे हैं किसी एक स्पेशल बाइक एंड एक स्पेशल लोग से मिलने के लिए. एंड जो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उन्हें तो पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट जो यूट्यूब पे है जस्ट वेट, आई मीन दैट्स ए स्पेशल बाइक. हेलो हेलो हेलो. एंड दिस इज़ द माइटी निंजा 1000. गुड मॉर्निंग. चलिए खोलते हैं. दैट इन लाइन 4 मैन, लेट्स हिट द रोड्स. फाइनली हमें टनल मिलने वाला है भाई, अभी मजा आएगा. साउंड Wow, अब listen to the music. पूरा orgasm हो गया यार. अरे हम अनगुल से 20 किलोमीटर ऑलरेडी दूर आ चुके हैं एंड बीच में मेरा GoPro ही स्टार्ट नहीं हुआ. अच्छे अच्छे रिएक्शंस थे लोगों के, बट पता नहीं आज सुबह से क्यों मेरा GoPro 10 हैंग कर रहा था एक्चुअली. सो मेरा GoPro तो स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने आकाश भाई का GoPro फिर मेरे में लगाया, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो हमें अभी टाइम तो 7:30 हो चुका है, निकलते हुए आधा घंटा हो गया एंड हम 20 किलोमीटर कवर कर चुके हैं. एक्सप्रेशंस आकाश भाई. वाह वाह भाई, मैं तो थंबनेल डालने वाला हूँ, रिएक्शन ऑन निंजा 1000 मार्केट. आकाश भाई रेव इट, रेव करो थोड़ा. ड्रैग ड्रैग ड्रैग. भाई मैंने ओवरटेक कर दिया 390 पे. ओ भाई बुड्ढे मत डराओ भाई. अभी हम बाइक एक्सचेंज करेंगे. भाई मीटर तो नहीं दिखेगा? ठीक है चलता है. वाह ओ मैन, तो साउंड पता नहीं आपको माइक में कैसा आवाज आ रहा होगा इस माइक का. लिटरली मेरा वॉइस रुक रहा है यार. रिएक्शंस देख रहे हो? सुपर बाइक का पैसा वसूल इसमें, रिएक्शंस में. चाचा
अच्छे से देखो, वाह मतलब हम जब आ रहे थे तो लोग चाय पी रहे थे, वो देख रहे हैं इस बाइक को, मतलब कोई खाना खा रहा है वो भी देख रहा है। वाओ, लोग देख रहे हो, जलवा है भाई सुपर बाइक्स का। अरे हमारे जल्दी जल्दी 100K करवाओ, हम भी कभी लेंगे ऐसा सुपर बाइक राइड। जो जो व्यूअर्स है करवाओ यार, अगर प्यार दिखाते हो तो भाई जल्दी जल्दी करवाओ, हमें लेना है सुपर बाइक। अब ना चलाते वक्त ना वेट नहीं होता कि काश हमारा भी एक होता है, हम भी मैच कर पाते इस बाइक के साथ। अब 390 तो लगभग मैच कर लेती है इसके साथ, बट ये जो जूप से निकलती है ना 390 में ऐसा नहीं होता। वाह वाह, मतलब मुझे इनलाइन फोर का ही अच्छा लगता है। आई मीन अगर तुम नॉर्मली में भी रखोगे ना, नॉर्मल आरपीएम में, इसका एक ऐसा स्मूथ सा से ड्रैगन जैसा साउंड होता है। वाह, बहुत सुंदर जगह है भाई। आई मीन देखो, बाइक अब फोर्थ गियर में है, 40 में चल रहा है, फिर भी स्मूथली चल रहा है। बट हमारे ड्यूक में ऐसा नहीं है, उसको अगर 40 में चलाना है तो तुम थर्ड गियर में ही चलाओगे, वरना फिर वो ऐसे झटके देने लगती है। तो इसमें तो वो नहीं है भाई, आई मीन बहुत स्मूथ है। टाउनशिप यही प्रॉब्लम है हमारे इंडियन रोड्स में, कुत्ते कहीं से कहां से कभी भी निकल आते। रिएक्शन भैया को आगे छोड़ते हैं एंड उनसे तो चलते हैं ना। वाह वाह, बस आई एम स्पीचलेस यार इसका साउंड देख के। आई मीन तो अभी हम सोच रहे हैं कहीं पर रुक के थोड़ा फोटोशूट करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए फोटोज तो चाहिए ही। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, लिंक नीचे आ रहा होगा, पिंकुन साहू, उसे जाके फॉलो कीजिए। कुछ अमेजिंग फोटोज एंड कुछ ऐसे वीडियोज के लिए जो मैं आपको शायद यूट्यूब पे पोस्ट करके दिखा नहीं सकता। एंड द रॉ साउंड मैन, थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो दिस इज निंजा 1000SX 1043cc पर्टिकुलरली। एंड अगर पावर बोला जाए तो 140 BHP एट 10,000 RPM एंड 111 Nm ऑफ टॉर्क एट 8,000 RPM, तो माइलेज अप्रोक्स 12-14 km पर लीटर का मिल जाता है इसमें। बट सुपर बाइक्स अगर ले रहे हो ना तो उससे माइलेज एक्सपेक्ट ही मत करो, बस फन के लिए ही होते हैं ये चीज़ें। क्या पटाखे मार रही है यार, डैम सेक्सी मशीन। डाउन से क्या पटाखे मार रही, क्या पटाखे मार रही। This is Ninja 1000SX. कितना प्यारा चेहरा है यार। एंड ये नंबर देख रहे हो, OD19V1000। इसके लिए ऑक्शन होता है पता ना, ये नंबर्स के लिए। पीछे से भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब दूर से देखोगे तो। एंड दैट्स आवर जिया, अब इतने स्पीड में ना अभी ये उखड़ने लगा है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे कुछ। एंड दिस इज द एग्जॉस्ट जो इतना कहर मचा रही है,
स्कॉर्पियन रेड पावर, अब इसमें फुल सिस्टम नहीं लगा है, एंड दिस इज़ कार्बन फाइबर। तो भाई अभी हम यहाँ पर थे कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए, एंड रेंगाड़ी अब यहाँ से बहुत पास ही है तो निकलते हैं यहाँ से। लुक एट द व्यू, सामने एक माउंटेन है, रोड्स पूरा अच्छा है, कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं। यार यही तो ढूंढ रहा था मैं तब से। वाओ, 110 120 पे कॉर्नरिंग करने का भी ना अलग ही कॉन्फिडेंस चाहिए। लेट्स एंजॉय विथ जिया। ओके, लॉन्च इतना परफेक्ट करूँगा ना। ही आ रहा है वो अंकल पूछ रहे हैं कि कितना कॉस्ट पड़ता है, कितना सीसी है। एंड ठीक है अंकल, बाय। थाउजेंड सीसी सुन के ना उनका एक्सप्रेशन देखने लायक था। रोड तो मेरे को भी याद नहीं था, बट हम अब रेंगाड़ी की तरफ मुड़ चुके हैं। इतना लंबा राइड करने के बाद फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं हम, तो रिएक्शन तो गजब ही रहते हैं। वाह, उफ, पानी पूरा मेरे मुंह पे यार। अरे अच्छे रोड से यार यहाँ पर। पहुंच गए रेंगाड़ी डैम। मुझे व्यू थोड़ा थोड़ा दिख रहा है डैम का, एंड मैं खड़े होके चला रहा हूँ। तो अभी हम डैम के बिल्कुल ऊपर आ गए बाइक लेके। कितना बड़ा डैम है यार, व्यू बहुत अच्छा है वैसे। हाई रिएक्शंस ओपी, स्पेशली हम जब मार्केट से एंटर किए इसके अंदर ना, तो यहाँ का ऊपर ना बाइक अलाउड है, बट यहाँ पर बाइक रखना अलाउड नहीं है। तो अगर गार्ड आया ना तो बहुत बोलने वाला है। सो जल्दी जल्दी लाइन अप करते हैं, फ़ोटो उठा के यहाँ से तो निकल जाते हैं। एंड ये रहा वो डैम, नीचे सब टर्बाइन्स लगे हैं, एंड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। छोड़ो, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो इतना टेक्निकलिटी में घुसने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। बस देखो यहाँ पर पानी है, एंड यहाँ पर प्रेशर से टर्बाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। वो सामने पूरा पावर लाइन सब गए हैं। अभी हम डैम से निकल रहे हैं, अब ऊपर तो बाइक रखना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर तो बैठ नहीं सकते, एंड यहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा धूप कम है, सो बैठ सकते हैं यहाँ पर शांति से। ये कुछ बच्चे आ गए थे बाइक को देख के फ़ोटो उठाने के लिए, एंड वो तो तब से फ़ोटो उठाया ही जा रहा है। बट वेदर अब थोड़ा अच्छा होने लगा है, जब आए थे तो बहुत धूप हो रही थी, अभी आई मीन टॉलरेबल है, सह सकते हैं। ओके, निंजा का है, तुझे पता है ये निंजा का है? निंजा का नहीं है ये, नहीं निंजा नहीं है ये। तो भाई मैं इन बच्चों के इंस्टाग्राम से मेरे को फॉलो करवा रहा हूँ। फॉलो हो गया।
तो डैम में हो गया भाई टाइम पास, सब निकल रहे हैं यहाँ से, चलो। तो भाई आज तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली राइड करके। अंडा अभी बस बाय बाय रेंगली डैम। एंड ये बच्चे ना जब से हम आए हैं तब से ही है यहाँ पर, चलो बाय बाय बाय। तो जब से हम डैम एंटर किए तब से ही ये बच्चे आके यहाँ पर थे, वो फोटोज एंड रील बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट भी कर दिए। सोचो कितने फास्ट है, हमें तो रील बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, क्या शूट करे। अभी हम जा रहे हैं नीचे। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, ऐसे ब्लॉग्स आगे बहुत आने वाले हैं एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। तो बॉयज़ अभी हम रेंगली डैम से आ चुके हैं एंड अभी अनगुल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कहीं पर रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे फिर घर निकलेंगे। सो आई थिंक आज के ब्लॉग में इतना ही, एंड आप तब तक के लिए ब्लॉग्स देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ राइड सेफ। दिस इज़ पिंकुन मोटो ब्लॉगर साइनिंग ऑफ, बाय।